हेलो किसान भाइयों, मैं शुभम कीट विज्ञान विशेषज्ञ आप सभी लोगों का अपने चैनल कृषि ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रिंजल के एफिड्स के बारे में। जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, एक ब्रिंजल का प्लांट का जो कलियां हैं हमने तोड़ के आपके सामने लेकर चले आए हैं। चलिए इसमें आपको दिखा रहे हैं कुछ इंसेक्ट जो कि आपके प्लांट के निचली पत्तियों पर रहते हैं। जैसे कि ये पत्तियाँ निचली होती हैं, ये ऊपरी पत्तियां होती हैं, उसके निचली पत्तियां ये होती हैं, और उसके निचली पत्तियों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे इंसेक्ट आपको नज़र आएंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे होंगे तो आपको ये इंसेक्ट दिख रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप और भी ज़्यादा प्लांट में आप देखेंगे तो क्या होता है कि प्लांट की पत्तियाँ ऐसी मुड़ जाती हैं। अगर आप प्लांट की पत्तियों को देखते हैं, साथ में कलियों को देखते हैं, तो कलियां ऐसी मुड़ जाती हैं और प्लांट नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हम क्या करते हैं, इस कलियों को यहां से तोड़ देते हैं और बाद में फेंक देते हैं। ऐसा करने से ये एक कल्चरल कंट्रोल होता है जो कि अपने हाथों द्वारा हम करते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इन एफिड्स का कंट्रोल कैसे करना चाहिए। अब बात सबसे पहले समझिए कि एफिड्स होता क्या है। किसान भाई, एफिड्स वही है जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसका नाम हिंदी में जानिए माहू होता है, जो कि सरसों के प्लांट में लगता है, वही इसमें लगता है। इसमें एक और रोग आपको मिलेगा, रोग व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी या सफ़ेद मच्छर जिसे आप कहते हैं, वो भी लगता है। तो ये दोनों इंसेक्ट क्या होते हैं, दोनों कीट जो होते हैं वो रस चूसने वाले होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं, रस को चूसते हैं, पत्तियों को पिन करते हैं और उसके रस को चूस लेते हैं। जो पोषक तत्व तो फूल को मिलने वाले हैं आगे फ्रूटिंग के लिए, वो पोषक तत्व तो इनको पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं और ये क्या करते हैं, इसके पोषक तत्व तो न मिलने की वजह से इसके डंठल जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके प्लांट में भी ऐसा रोग लग गया है तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो चलिए आपको हम कुछ इंसेक्टिसाइड बताते हैं जिसका आप कंट्रोल करके आसानी से बैगन के प्लांट को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, साथ में आप उससे अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो किसान भाइयों, जो पहली दवा है वो डाइमेथोएट 30 cc में दवा आती है। 1 ml दवा आपको 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। यह सभी रस चूसने वाले कीट को जल्द ही मार देती है। तो चलिए किसान भाइयों, अब सेकेंड दवा की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं सेकेंड दवा। जो सेकेंड दवा है इमिडा क्लोरोप्राइड दवा आती है, 17.8 SL में मार्केट में आती है। इसका 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़क सकते हैं। सभी रस चूसने वाले कीट को यह आसानी से मार देती है, जैसे कि सफ़ेद मक्खी और एफिड्स को भी मार देती है। थर्ड दवा है सेंट्रा नीली प्रोल दवा आती है, जिसका 0.26 OD में आता है, जिसका 1.8 ml आप पर लीटर पानी में मिलाकर यूज कर सकते हैं। यह सभी रस चूसने वाले कीट को आसानी से मार देती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि एफिड से कैसे कंट्रोल करें, अपने ब्रिंजल के प्लांट पर अगर एफिड लग गया तो उसे कंट्रोल कैसे करें, व्हाइट फ्लाई लग गया, सफ़ेद मक्खी लग गया तो कैसे कंट्रोल करें, कौन सी दवा छिड़काव करें, वो सभी चीज़ें हमने आपको बता दी। ध्यान दीजिएगा, जितना भी दवा बताया है उनमें से एक ही दवा आपको यूज करना है और ये दवा टेक्निकल दवा है, टेक्निकल नाम से मार्केट में मिलेगी। हमने किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बायर्स, सिंजेंटा या टाटा, कोई भी कंपनी आए आप उसे ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नाम यही लिखना रहना चाहिए उसके पैकेट पर, तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करना ना भूलें।